हेलो दोस्तों, विलेज इनसाइट में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं रायसेन फोर्ट। रायसेन फोर्ट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और रायसेन की जो भोपाल से दूरी है वो 59.3 किलोमीटर है। और मंडीदीप से अगर आप आते हैं तो ये 56.1 किलोमीटर पड़ेगा आपको। और अगर आप इंदौर से रायसेन का किला घूमना चाहते हैं तो ये आपको 286 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। दोस्तों, रायसेन फोर्ट पर आपको बादल महल, रोहिणी महल, इत्रदान महल, हवा महल और भी कई महल हैं जो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप जब यहाँ खुद आएंगे तो खुद देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से महल हैं। अगर आप रायसेन फोर्ट घूमना चाहते हैं तो आपको सुबह से ही टाइम निकाल के आना होगा। और रायसेन फोर्ट के खुलने और बंद होने का जो टाइम है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो इस बीच में आप कभी भी आके रायसेन फोर्ट घूम सकते हैं। रायसेन फोर्ट के टॉप पे किले के जस्ट सामने ही आपको एक छोटी सी दुकान मिल जाएगी जहाँ पे आपको पानी की बोतल और स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं आप, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। रायसेन फोर्ट बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। रायसेन फोर्ट से सांची स्तूप की दूरी 23.5 किलोमीटर है। और रायसेन फोर्ट से भीमबेटका की जो डिस्टेंस है वो आपको 88.3 किलोमीटर का लगभग पड़ेगा।
दोस्तों, ये सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो कि साल में एक बार खुलता है। मैं आपको मंदिर के अंदर ले आकर दिखा देता हूँ मंदिर अंदर से कैसा है। दोस्तों, ये मंदिर अभी बंद है। साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर को खोला जाता है। दोस्तों, अभी हम लोग जो रानियों का महल है, हम लोग उस ओर एंटर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो चारों ओर आप देख रहे हैं, ये रानियों का महल है और बीच में एक बावड़ी भी है।
दोस्तों ये एक बावड़ी है जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता था, और ऐसी एक बावड़ी और भी है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों ये इत्रदान महल है और इसके बारे में डिटेल यहाँ लिखी हुई है। और दोस्तों ये यहाँ की फेमस तोपें हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, रायसेन किले की जो तोप हैं बहुत फेमस हैं। और ये क्यों फेमस है इसके बारे में भी यहाँ डिटेल लिखी हुई है, तो आप जब यहाँ आएंगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो दूसरी बावड़ी है जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा जाता था, और ये उस वाली बावड़ी से भी बड़ी बावड़ी है। दोस्तों इस किले के बारे में अभी इतना ही, इसके आगे हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें किले का जो बचा हुआ भाग है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।